स्टूडेंट्स, दिस इज अकोटकर सर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स। अब ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है, यहाँ पे हमें दो तरह के मोशन पढ़ने हैं। पहला है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मान लो कोई पार्टिकल है अलॉन्ग सर्कमफेरेंस जा रहा, तो उसका जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल लेना है तो मून का ले लो, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो मून अगर अर्थ को रिवॉल्व करता है तो उसका जो मोशन है अलॉन्ग सर्कमफेरेंस, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब रोटेशनल मोशन मतलब क्या, तो इसकी डेफिनेशन होगी द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस। अगर कोई भी एक्सिस खुद को रोटेट करता है तो वो जो मोशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो मेरे पास पेन है, तो ये जो रिफिल है, मान लो रिफिल वाला एक्सिस है, और उस एक्सिस को फिक्स रखो, बाकी पूरी की पूरी बॉडी रोटेट करो, तो इसे क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। क्लियर बेटा? इसका एक और एग्जांपल हो सकता है अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ। अर्थ अगर खुद को रिवॉल्व करती है तो सेंट्रल का एक्सिस फिक्स रहता है, बाकी पूरी अर्थ रोटेट होती है। क्लियर बेटा? तो ये है इस यूनिट के कंटेंट, सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस। क्लियर बेटा? तो ये दो हमें पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा, सर्कुलर मोशन से। शुरुआत कहाँ से करेंगे, सर्कुलर मोशन से। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन के लिए, देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन एक बार रिपीट करूंगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल अलॉन्ग सर्कमफेरेंस जाता है तो उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल है रे बेटा, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है मून, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, सर्कुलर मोशन। एक और एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। मालूम है कि अगर कोई एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस को रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन होता है वो भी क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन के, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं एथलीट। अगर कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा, अगर कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा तो उसका भी मोशन होगा अलॉन्ग सर्कमफेरेंस, तो वो भी एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशन का। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये होगी फर्स्ट डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की। अब ये सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसके नाम में ही डेफिनेशन छुपी है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यहाँ पे स्पीड सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, और यहाँ पे स्पीड डिफरेंट होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो शुरुआत में इन दोनों को डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे मून, मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, इसकी स्पीड थ्रू आउट सेम होती है। इसका सेकंड एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को रिवॉल्व करता है तो भी स्पीड सेम होती है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब एथलीट की अगर बात करेंगे तो एथलीट की स्पीड बेटा सेम नहीं होती। अगर कोई रनर है और रनर सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा तो उसकी रनिंग की स्पीड सेम नहीं होगी, वो धीरे से स्टार्ट करेगा और अपनी स्पीड बढ़ाएगा, तो वहां पे स्पीड वैरी करेगी, तो वो किसका एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल मून, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप, हैंड्स इन क्लॉक, घड़ी के जो कांटे होते हैं उसकी स्पीड भी सेम होती है, वो सबकी स्पीड भी सेम होती है, तो उसे भी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेफिनेशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ डिफरेंट स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ डिफरेंट स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देंगे रे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, एन एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, स्पीड वेरी करेगी, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर बेटा? लास्ट डेफिनेशन भी देख लो, रेडियस वेक्टर। वेक्टर सब लोग जानते हैं, वेक्टर इज द थिंग विच कैन हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है।
अब ये क्या रेडियस वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर है कैसे होगा अलोंग रेडियस, कैसे होगा अलोंग रेडियस, तो इसको भी समझ लेते रेडियस वेक्टर। मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो ये अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा तो यहाँ पे क्या होगा सेंटर, तो ये ओ मतलब क्या सेंटर, इसे मैं ओ नहीं बोलूंगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, बॉडी को भी मैंने सर्कल से बताया, तो इसे सी बोल दो सी। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, तो मुझे क्या करना है इस सेंटर से पार्टिकल की पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है, इस सेंटर ऑफ सर्कल से पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है और उसे क्या बोलना है बेटा रेडियस वेक्टर, उसे क्या बोलना है रेडियस वेक्टर। तो क्या होगी डेफिनेशन, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर का एक और नाम हो सकता है, इसे हम लोग बोल सकते बेटा पोजिशन वेक्टर, इसे क्या बोल सकते हम लोग पोजिशन वेक्टर, इसे क्या बोलेंगे पोजिशन वेक्टर। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का पढ़ाता हूं। बात करेंगे टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी, मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो देखो रे अगर यहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पार्टिकल यहाँ पे मोशन करके आया वापस वहीं पे आया, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे। तो क्या होगी डेफिनेशन, द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, यहाँ से स्टार्ट किया ना यहीं पे वापस आया, मतलब एक रोटेशन कर लिया और एक रोटेशन करने के लिए जो भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, समझ में आ। तो डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है ये होता है बेटा सेकंड, ये होता है सेकंड। लास्ट में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या एक सेकंड में ऐसे कितने रोटेशन हो रहे, हम सभी को मालूम है कि यूनिट टाइम क्या होता है बेटा सेकंड, तो एक सेकंड में ऐसे कितने रोटेशन हो रहे उसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो ये हुई बेटा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा 1/ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा 1/ फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे समझ लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों सेपरेट टॉपिक है लेकिन यहाँ पे दोनों को इस तरह से देखेंगे, मतलब अपने दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, डेफिनेशन का भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और डिफरेंस के फॉर्मेट में आया तो डिफरेंस का भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर डिफरेंशिएट सेंट्रीपेटल फोर्स विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों भी फोर्स कब पिक्चर में आएंगे, जब कहीं पे सर्कुलर मोशन होगा, अगर सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे दो तरह के फोर्स इफेक्टिव होते हैं, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों के दोनों अलोंग रेडियस होते हैं लेकिन एक होता है टुवर्ड द सेंटर और एक होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस अगर लिखना है हमें तो पहला डिफरेंस लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन, पहला डिफरेंस लिखेंगे डेफिनेशन, सेंट्रीपेटल की डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगल की डेफिनेशन। सेंट्रीपेटल की डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब ये जो फोर्स है कैसे होगा अलोंग रेडियस, कैसे होगा अलोंग रेडियस, और अलोंग रेडियस के साथ साथ टुवर्ड द सेंटर भी होगा, टुवर्ड्स द सेंटर भी होगा। क्लियर बेटा, क्लियर। तो यह है डेफिनेशन, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल की, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यह क्या होता है, यह होता है अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, और कैसा होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे
फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर. क्लियर बेटा? क्लियर. तो ये फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दोनों की डेफिनेशन अगर समझनी है या फिर दोनों को डायग्रामेटिकली समझना है, तो मान लो ये पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, ये सेंटर है, तो अगर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा तो इसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंटर की तरफ लग रहा तो सेंट्रीपेटल, और सेंटर के बाहर जा रहा, अवे जा रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल. क्लियर बेटा? क्लियर. तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट कभी भी डेफिनेशन ही लिखना. सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स का एग्जांपल कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल कौन सा है. तो सेंट्रीपेटल का पहला एग्जांपल है मून. सभी को मालूम है मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, तो जब मून अर्थ को रिवॉल्व करता है तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपेटल. समझना? जैसे मान लो ये मून है और यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है. तो अर्थ क्या करेगी, मून को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, और यहाँ पे एक और तरह का फोर्स काम करेगा, वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से मून क्या करेगा, बराबर सर्कुलर मोशन में फिर घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा. तो ये जो सर्कुलर मोशन होने के लिए जो फोर्स वहां पे इफेक्टिव है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रीपेटल फोर्स. उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स. तो सेंट्रीपेटल फोर्स का पहला एग्जाम्पल मून, दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस को रोटेट करता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होता ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की वजह, फोर्स के सिवा वहां पे एक और फोर्स होता है, और जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. तो सेंट्रीपेटल फोर्स मैटर करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बराबर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है. क्लियर? बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, द पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार आर थ्रोन अवे व्हाइल टेकिंग अ टर्न. मान लो हम लोग कार से जा रहे हैं, कार से जाते समय अगर हम लोग लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं तो जो भी पर्सन उस कार में बैठे हुए हैं वो थोड़े बाहर की तरफ फेंके जाएंगे, मतलब एक हल्का सा फोर्स महसूस करेंगे, और उसका नाम क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाम क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, पर्सन सिटिंग इनसाइड अ कार आर थ्रोन अवे व्हाइल टेकिंग अ टर्न. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉइन. मान लो अपने पास एक कॉइन है, और कॉइन को कहाँ पे रखा हम लोगों ने, ग्रामोफोन पे. कॉइन को कहाँ पे रखा हम लोगों ने, ग्रामोफोन पे. ग्रामोफोन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअसली रोटेट रहता है, और वहां पे अगर कॉइन रखेंगे तो कॉइन रोटेटिंग ग्रामोफोन के पीछे पीछे आएगा, मतलब उसकी मूवमेंट कैसी होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर. अवे फ्रॉम द सेंटर होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, पर्सन सिटिंग इन अ कार. पर्सन सिटिंग इन अ कार. तो यहाँ पे पहले दो डिफरेंसेस सिंपल मिल जाएंगे, पहला डिफरेंस डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल. बात करेंगे तीसरे डिफरेंस की. तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ये होता है रियल. सेंट्रीपेटल फोर्स इज रियल, और सेंट्रीफ्यूगल होता है इमेजिनरी. सेंट्रीफ्यूगल होता है इमेजिनरी. इमेजिनरी का दूसरा नाम होता है सुडो. इमेजिनरी होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, और सेंट्रीपेटल रियल होता है, इसका प्रूफ भी हमारे पास है, ठीक है. तो सेंट्रीपेटल इज रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इज सुडो फोर्स, इट इज इमेजिनरी फोर्स. फोर्थ नंबर का डिफरेंस सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन हो रहा ना, तो सर्कुलर मोशन होने का रीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपेटल फोर्स. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. क्लियर? तो इस तरह से हम लोग फोर्थ डिफरेंस लिखते हैं. सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. फिफ्थ नंबर का डिफरेंस सेंट्रीपेटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन. ऑलमोस्ट सेम ही डिफरेंस है, सिर्फ वर्डिंग अलग अलग है. सेंट्रीपेटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज द रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन. यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स है. अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होता तो सर्कुलर मोशन होता था क्या, नहीं. तो हमें क्या लिखना होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज द रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन. यहाँ पे अर्थ मून की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, करके मून सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा. अगर वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होता तो ये डायरेक्टली अर्थ की तरफ खींचा चला आता. ऐसा हो रहा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज द रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन. और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करेंगे तो इसे लिखेंगे, इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि ग्रामोफोन घूम रहा, रोटेट हो रहा, उस पर रखा हुआ कॉइन पीछे पीछे आएगा। अगर ग्रामोफोन नहीं घूमता तो पीछे पीछे आता था क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा तो वहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर आ रहा। तो क्या है बेटा बेसिक डिफरेंस, सेंट्रीपेटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंट्रीपेटल फोर्स एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है कौन? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो क्या लिखेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स कैन एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो या तो इसे ऐसा लिखो डज नॉट एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ऐसा लिखो एग्जिस्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एग्जिस्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एग्जिस्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शॉर्ट में लिखा मैंने, समझ लो। तो क्या है बेटा सिक्स नंबर का डिफरेंस, सिक्स नंबर का डिफरेंस क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और डिफरेंस लिख सकते हैं सेवन नंबर का, और सेवन नंबर का डिफरेंस मतलब फॉर्मूला, सेवन नंबर का डिफरेंस फॉर्मूला। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीफ्यूगल का भी यही फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल का भी यही फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, डिफरेंस इतना होता है एक टूवर्ड द सेंटर एक अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको इसे लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और चीज़, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, अगर आपको वहाँ पर एनरोल करना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।